वो किसान की इस नब्ज़ को पहचानते थे किसान को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है कहने कह रहे ताऊ जा गया कहना ना जागू तो भाई डर लगे कोई गाड़ी न चाल जा गन्ने के बाहर उन्होंने नए नए ट्रैक्टर खरीदने शुरू किए हुए थे लेकिन ट्रैक्टर से कोल्लू चला सके थे किसान और चौधरी चरण सिंह ने सत्रह रुपया गन्ने का भाव तय कराया ये है कि एक बार उन्होंने किसानों से ये बोल दिया था कि ये जो गन्ना है इसे मेरे सिर पर उगा दीजिए सत्रह तो रुपये गन्ने का भाव मिलना ऐसा था किसान को जैसे किसान के ऊपर सोना बरस गया चूँकि जो यहाँ संयुक्त विधायक दल बनाया गया था उसका लीडर जो है रामचंद्र विकल को बनाने की बात थी अभी भी कोशिश की जा रही है उनका पोत्र है वो चल रहा है और कभी कभी बहुत दम की बात करता है इस वक्त जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो कौन सी है वो सारी फैक्टियां वो हैं जो इनके हल्के में हैं तो सवाल ये है कि अगर आप लीडर हैं तो आपके यहाँ दिक्कत क्यों है नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को किसानों ने किसान मसीहा की उपाधि दी थी किसानों के लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य कराए इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बड़े किसान नेता प्रीतम चौधरी जी मौजूद हैं प्रीतम चौधरी जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान ट्वेंटी पर धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौधरी चरण सिंह जी को किसान मसीहा ये उपाधि किसानों ने दी चीफ मिनिस्टर भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे तो किसानों के हितों के लिए उन्होंने कौन कौन से बड़े कार्य किए देखिए एक बात यह है कि ये इतना बड़ा मुल्क है कि जितने थोड़े अरसे वो प्राइम मिनिस्टर रहे न तो इतने अरसे में कोई देश को बदल सकता और न जितना कम पीरियड उनको चीफ मिनिस्ट्री में मिला ना इतने में कोई प्रदेश को बदल सकता लेकिन उस आदमी में किसान के प्रति कसक बहुत थी कुछ कर गुजरने की बदकिस्मती क्या थी बदकिस्मती ये थी कि एक तो वो बजात खुद एक्टिव फार्मर नहीं थे दूसरी बात ये थी कि उनको शुरुआती तौर पर शुरू करना पड़ा उनका कोई ऐसा पुराना बैकग्राउंड नहीं था जिसकी वजह से कोई खोजबीन वाली स्थिति हो तो इसलिए बहुत काम नहीं कर पाए लेकिन उसके बावजूद भी दो तीन काम उन्होंने ऐसे वो किसान की इस नब्ज़ को पहचानते थे किसान को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है तो उन्होंने मनी लैंडिंग एक्ट अपने ज़माने में दिया कि जो भी आदमी बगैर रजिस्ट्रेशन के पैसा दे रहे हैं उधार ये पैसा सब नाजायज है ये फलाना है दिमाग का बहुत बड़ी बात थी लेकिन प्रदेश में चूंकि वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे ज्यादा अरसा तीन चौथाई लोगों को पता भी नहीं कि था भी या नहीं था पार्टी उनकी ऐसी थी कि उसने उसके बारे में कोई प्रचार खास नहीं किया इसी तरह से और सारी बातें हैं लेकिन दो कामों में उन्होंने किसान को पहचाना कि एक तो किसान पटवारियों से बहुत तंग था तो लोग यूँ कहा करते थे चौधरी साहब ने काम सौ आने का कर दिया और वो ये था कि सारे पटवारी जितने थे हड़ताल पे चले गए सब के इस्तीफे मंजूर और इनकी जगह नया वर्ग लेखपाल शुरू किया है जो लेखपाल है ये उनकी देन गन्ना किसानों के लिए कुछ मील वगैरह भी लगवाए मशीनरी के वो पक्ष में थे कि नहीं देखिए मशीन के वो बिल्कुल महान गांधीवादी थे इस बारे में और कई बार तो इस हद तक चले जाते थे कि नाराज़गी की हद तक उन्होंने अपनी एक पॉलिसी प्रोग्राम कमेटी बनाई हुई थी मैं भी उसका सदस्य रहा हूँ और जयराम वर्मा जो बहुत बड़े लीडर थे उस ज़माने के मिनिस्टर मंत्री भी थे वो भी उसके थे तो जब हम प्रोग्राम बना के उसका ले गए तो चौधरी चरण सिंह कहने लगे भाई अगर ये बात पार्टी की तरफ से तुम तय करके ले आए तो जो किताब मैंने लिखी उसका तो कुछ फायदे ही रहने का उसके तो विपरीत बात हो रही है हमने कहा साहब सम देश को चाहते हैं कि विपरीत अवस्था ये जो है समय के साथ चले और समय के साथ चलेगा तो मशीनीकरण बहुत जरूरी है समय के साथ चलेगा तो सारे काम बड़े ज़रूरी हैं यानी उनके ज़माने में कैसे कैसे कानून थे आप अंदाजा कर सकते हैं किसानों ने नए नए ट्रैक्टर खरीदने शुरू किए हुए थे लेकिन ट्रैक्टर से कोलून चला सके था किसान ट्रैक्टर से अपना पंप नहीं चला सकता था किसान ये कानून थे उनके ज़माने में इन सब कानूनों को ख़त्म करने में उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली ऐसी बात नहीं की नहीं करते थे लेकिन जो बड़े काम थे औपचारिक रूप से जो तब्दीलियाँ होनी चाहिए थीं ना उन्हें उतना पीरियड मिला और न उनकी उतनी लंबी सोच थी ईमानदारी की बात तो यह चर्चाएं ये हैं कि एक बार उन्होंने किसानों से ये बोल दिया था कि ये जो गन्ना है इसे मेरे सिर पर उगा दीजिए ये बनाई हुई बातें हैं या वास्तविकता भी है नहीं ये बिल्कुल वास्तविकता नहीं कठोर वास्तविकता है लेकिन ये असल चीज़ जो थी ये उपजी कहाँ से उपजी इस बात से कि चरण सिंह जी का व्यक्तित्व जो था इसे सबसे बड़ा उछाल गन्ने से मिला और वो तब मिला कि जब चरण सिंह जी सत्रह आदमियों को छोड़ के कांग्रेस से संयुक्त विधायक दल में आए तो यहाँ चीफ मिनिस्टर बने तो उस साल एक बड़ा गन्ना आंदोलन यूपी में चल रहा था हम लोग चला रहे थे और उस आंदोलन ने यह कहा कि बीस रुपया गन्ने का भाव मिलना चाहिए उससे पहले साल में पांच रुपया अड़सठ पैसे गन्ने का भाव था अब आधे लोग तो हमें यूं कहे कि बावड़े हो गए बीस कौन देगा हमने कहा हमने हिसाब बना रखा है सरकार ने इन्हें छूट दी है ये सरकार सारी छूट या तो इन्हें निगल जाने दो और या छूट बट के अगर मिले तो बीस रुपये किसान को मिल सके तो जब ये उस मीटिंग में आए जिस मीटिंग में वो तय होना था सारी यूपी के फेडरेशन के गन्ना समितियों के चेयरमैन उसमें मौजूद थे उसमें प्रस्ताव हमने उनके सरकारी प्रस्ताव बारह रुपये के मुकाबले में बीस रुपये का पास करा दिया ज़बरदस्ती तो जब चौधरी साहब को सुनाया गया चौधरी साहब बिगड़ गए उखड़ गए जब उखड़ गए हमने कहा मैंने कहा चौधरी साहब ऐसा है उखड़ने की ज़रूरत कुछ नहीं आप आर समझिए हैं सैद्धांतिक रूप से आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि आदमी किसी बहस के बाद किसी बात पर पहुंचे आप मैंने कहा किसी भी इंडस्ट्री के आदमी को बुला लीजिए किसी बड़े अफसरों को बुला लीजिए और जो हमने लिखा है पर्चा इस पर बहस कर ले वो और इस पर बहस करके बता दे कि क्यों नहीं मिलना चाहिए बीस रुपया चौधरी साहब की समझ में आ गया और चौधरी चरण सिंह ने सत्रह रुपये गन्ने का भाव तय कराया उस वक्त सत्रह रुपये गन्ने का भाव मिलना ऐसा था किसान को जैसे किसान के ऊपर सोना बरस गया हो और किसान ने चौधरी चरण सिंह को वो उधार रखा नहीं लौटाया वापस जब चौधरी चरण सिंह ने मध्यावधि चुनाव कराए तो सत्रह आदमी लेके आए थे एक सौ चार बिता के भेजे नहीं। लेकिन उसकी वजह से चूंकि गन्ने का रेट अच्छा मिल गया लिहाजा लोगों ने गन्ना ज्यादा बोना शुरू कर दिया फैक्ट्री ना बढ़ती हो और गन्ने का रेट बढ़ रहा हो तो गन्ने की पिराई में तो परेशानी आई जाएगी कोल्लू बंद होने शुरू हो गए पहले तो गांव में लोग भाईचारे में कोल्लू चला लेते थे कोलुओ का काम खत्म होता जा रहा था क्रेशरों पे और आफत आ रही थी तो नतीजा ये है कि उस वक्त ये हुआ कि चरण सिंह ने वाकई किसानों को ये कहा था कहने का भाई ऐसा है कि मेरे सिर पे बोलो और जगह तो रही नहीं उस वक्त बड़ी बड़ी मिसालें मशहूर हुई थी अब जैसे कोई बूढ़ा था बाहर बड़ा था तो कोई गाड़ी जा रही थी उसके पास को गाड़ी वो रुकी तो खकरा कहने गए कह ताऊ जगह गया कहना कहना जगह तो भाई डर लगे कोई गाड़ी गन्ने के बाहर <laughs> और मैं इसका ढोता फिर हुआ <laughs> तो ये गन्ने का हाल हो गया था <laughs> लेकिन वो प्रधानमंत्री पद पे जब थे तो तब उन्होंने फिर एक बार करवट ली और करवट ये ली कि पहले साल गन्ने का भाव साढ़े तेरह रुपये था सतहत्तर अठहत्तर में उनका नंबर आया तो नतीजा यह है कि मिल वालों ने कहा कि हम साढे तेरह रुपया नहीं दे सकते और सरकारी भाव जो था केंद्र का एमएसपी जिसे कहते हैं वो दस रुपये था तो चौधरी चरण सिंह ने ये तय कराया कि उत्तर प्रदेश की सारी चीनी मिले साढ़े तेरह रुपये गन्ने का भाव देंगी जिसमें दस रुपया जो सरकारी केंद्र का भाव है वो मिले देंगी और साढ़े तीन रुपया जो है वो प्रदेश के एक्सचेकर से दिया जाएगा दिलाया लेकिन मील वाले फिर भी नहीं माने और मील वालों ने यह हरकत की कि जो एस एम पी था यानी केंद्र सरकार द्वारा तय किया हुआ भाव था उस भाव के ख़िलाफ़ कोर्ट में चले गए स्टे ले लिए और स्टे लेने के बाद अलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि के केंद्र का जो सरकारी आदेश था करने का हम उस आदेश को समाप्त करते हैं वो आदेश ठीक नहीं था और वो पैसा किसान का आज तक नहीं मिला जो सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत का है मैं देवबंद से आता हूँ हमारे यहाँ पैंतालीस पैसे का स्टे था लक्सर उस वक्त हमारे ज़िले में था लक्सर में दो रुपये तैंतीस पैसे का स्टे था ज़रा गौर करो कितने बड़े बड़े स्टे थे लेकिन ये वक्त है चलता रहता है वक्त का दौर चर्चाएं ये हैं कि जिस समय चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें मुख्यमंत्री बनवाने में रामचंद्र विकल गुर्जर का बहुत बड़ा योगदान था इसमें कुछ सच्चाई है सच्चाई नहीं कठोर सच्चाई चूँकि जो यहाँ संयुक्त विधायक दल बनाया गया था उसका लीडर जो है रामचंद्र विकल को बनाने की बात थी और रामचंद्र विकल का वो बयान आज भी आपको उस वक्त की अखबारों की कटिंग से मैसर हो सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं चौधरी साहब का सहयोगी रहा हूं और मैं चौधरी साहब की इज्जत करता हूं, उन्हें नेता मानता हूं। वो लाए इनको सिर्फ सत्रह आदमियों के साथ आए थे और चीफ मिनिस्टर बनाया रामचंद्र उस मंत्रिमंडल में चीफ मिनिस्टर रहे उनकी बड़ी इज्जत रही और बाद में फिर लीडरों का होता है पता नहीं किस बात पर हो के आपस में लड़े अच्छा फिर खुद हालत वो पहुंच गई कि रामचंद्र विकल इलेक्शन लड़े इनके खिलाफ तो तो अपने हालात एक तो चौधरी चरण सिंह की जो दिक्कत थी वो ये थी कि जो अपनी सोच थी उससे बाहर की बात वो सुनना नहीं चाहते थे और ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा था कि हम ये कहते थे कि जमाने के साथ चलो आगे को बढ़ने की बात करो यहाँ की बातें करने की बात करो दूसरी बात जो उनकी जो थी विशेष वो ये थी कि हमारा उनसे अनुरोध ये था कि सबसे बड़ी समस्या यूपी की यह है कि यूपी प्रदेश नहीं देश है और यूपी में राज नहीं बस गाड़ी खींच रही है किसी तरह से तो ये यूपी टूटना और बटना चाहिए इस मामले पर कभी उन्होंने अपने आप को सख्ती से खड़ा नहीं किया जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने खड़ा हो के हरियाणा बनवाने में दम दिखाया, या दिखायाकालियों ने खड़ा होकर पंजाबी सुबह बनवाने में दम दिखाया इस तरह का कोई दम नहीं दिखाया बल्कि उल्टा बेदमी दिखाई फजल अली कमीशन जब लखनऊ पहुंचा तो अट्ठानवे लोगों ने अट्ठानवे एम एल ने उस वक्त पश्चिमी यूपी के दस्तखत करके मेमोरेंडम दिया और सहारनपुर के उसमें उस वक्त थे ख्वाजा अथर ये उस मोमेंट में अग्रणी थे मुजफ्फरनगर से चौधरी श्री राम ये उनमें अग्रणी थे ये सब लोगों ने काम ले किया लेकिन एक बात रात को बुला के कही पंत साहब ने कि भाई ये जो है Uh, uh, मेरी लाश के ऊपर बंटवारा होगा यूपी का बस यूपी का बंटवारा ठप और रात को मंत्री फिर रहे चक्कर काटते हुए और लोगों से कह रहे हैं कि अपने दस्तखत वापस लो दस्तखत वापस लो दस्तखत वापस लो अगर यूपी का विभाजन हो जाता तो आज यूपी कहाँ का कहाँ होता आप अंदाजा नहीं कर सकते चौधरी चरण सिंह जी तो देश के प्रधानमंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे लेकिन उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह कभी मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं देखिए कारण तो यह है बदलाव की हवा है चौधरी चरण सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर बने उस वक्त दौर दूसरा था समाजवादी पार्टी हार्ड कोर में थी और समाजवादी पार्टी ने और उसमें चौधरी चरण सिंह भी शुमार थे मैं तो जब यूनिवर्सिटी में था तो मैंने देखा है कि ये बैकवर्ड कास्ट फेडरेशन के जलसों में जाते थे और उनके थे पूरब में तो बहुत बड़ी तादाद में लोग ये जानते थे जाट हैं ये कहते हैं यादव है या तो इनका इतना बड़ा प्रचार था और इतनी इनके साथ लोगों की घिशतार मित्रता थी लेकिन यह है कि वो बात जो है उस लड़के में नहीं आ पाई वो उस तेज से नहीं चल पाए और अपने धंधों में फंस गए तो नतीजा यह है कि ये हर एक का लड़का जो है उससे आगे बढ़ जाए ये बहुत आवश्यक नहीं है अभी भी कोशिश की जा रही है उनका पोत्र है वो चल रहा है और कभी कभी बहुत दम की बात करता है फिर बेदम हो जाता है फिर दम की बात करता है तो उससे कोई काम नहीं चलता असल में बात ये कि अगर किसी भी आदमी को आगे बढ़ना है पॉलिटिकली, तो वो जाट रह के गुजर रह के त्यागी रह के राजपूत रह के नहीं बढ़ सकता इस वक्त गांव का आदमी अगर तरक्की कर सकता है तो किसान के नाम पर तरक्की कर सकता है वो जो किसान को संगठित करता हुआ नजर आता हो जो किसान के हितों की रक्षा करता नजर आता हो अब ये अब आप मुझे बताइए आप कि इन्हें बना तो दो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और हाल इनका इतना है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी बकायेदार फैक्ट्रियां कौन सी हैं? वो सारी फैक्ट्रियां वो हैं जो इनके हलके में हैं जहां से ये चुनाव हारे हैं बड़ौत पर सबसे ज़्यादा बकाया उसके बाद जो है बकाया मोदीनगर सिंभावली पे उनसे ज़्यादा बकाया तो सवाल ये है कि अगर आप लीडर हैं तो आपके यहाँ ये दिक्कत क्यों है तो अगर आप नहीं लड़ेंगे तो क्यों लोग आपको सर होते फिरेंगे तो इसका नतीजा ये हुआ कि अब दो इलेक्शन देख लिया आपने कि दो इलेक्शन हार के बैठे हुए हैं वहाँ से राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन में पहुँच जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सूरमा तो वो है जो लड़के जाता है चलिए तो बड़े किसान नेता प्रीतम चौधरी जी को आपने सुना जिन्होंने बताया कि आखिर किसानों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को किसान मसीहा की उपाधि क्यों दी थी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक बने रहिए हिंदुस्तान ट्वेंटी के साथ नमस्कार